इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन पे के ज़रिए अपने बैंक अकाउंट में पैसे किस तरीके से भेज सकते हो। बदले में आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो अकाउंट नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो IFSC कोड की। तो इस वीडियो में मैं क्लियर बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन पे के ज़रिए अपने बैंक अकाउंट में, किसी के भी बैंक अकाउंट में, चाहे वो अपनी फैमिली का हो या किसी भी अनदर पर्सन का, उसमें आप पैसे किस तरीके से भेज सकते हो। मैं अपने मोबाइल से, अपने खुद के पर्सनल फ़ोन पे से आपको दिखाऊंगा डाल के। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन पे के ज़रिए अपने किसी भी बैंक अकाउंट में, चाहे आपके ब्रदर का अकाउंट हो या आपके फ्रेंड्स का अकाउंट हो, किसी का भी अकाउंट हो, उसके थ्रू आप पैसा कैसे डाल सकते हो। उसमें सबसे पहले आपको एक रिक्वायरमेंट होता है बैंक अकाउंट नंबर का और एक IFSC कोड का, राइट। तो यहाँ पे एक जिसका नाम है, जिस बैंक अकाउंट में आप पैसे डालना चाहते हो, उसका नाम भी आपको रिक्वायरमेंट होता है। तो मैं फ़ोन पे के ज़रिए आपको बताऊंगा कि आप बैंक अकाउंट में पैसे किस तरीके से डाल सकते हो। इस वीडियो को आपको क्लियर पता चलने वाला है कि अकाउंट में पैसे कैसे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना फ़ोन पे अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं अपना फ़ोन पे अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। फ़ोन पे अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो चार ऑप्शन दिखते हैं। सबसे पहले आपको अपना फ़ोन पे अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक चार ऑप्शन दिखते हैं, आप चार ऑप्शन को देख सकते हो। ये चार ऑप्शन है यहाँ पे, एक टू मोबाइल नंबर, टू बैंक UPI, टू सेल्फ अकाउंट, टू चेक द बैलेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है, जिसका नाम है टू बैंक टू UPI। तो मैंने इस नंबर पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं इस पे मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको शुरू से बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमको तीन ऑप्शन आते हैं, एक तो बैंक अकाउंट, एक UPI ID और एक UPI नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट से भेजना है। आपके पास में रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया था कि आपके पास में IFSC कोड होना चाहिए और अकाउंट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एड टू बेनिफिशरी अकाउंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सामने वाले से जिस अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उसकी बैंक कौन सी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिस अकाउंट में पैसा डाल रहा हूँ मैं। तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर को फिल कर लेना है। अकाउंट नंबर आप वही डालिएगा जिस अकाउंट में आपको पैसे डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर फिल कर लेता हूँ। तो कुछ सेकेंड के लिए मैं वीडियो को हाइड कर दूंगा, जिससे कि मैं अकाउंट नंबर को फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो, मैंने अकाउंट नंबर और IFSC कोड को फिल कर लिया है। यह मैं IFSC कोड और अकाउंट नंबर कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं हाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं इसे शो नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने डाल दिया है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लोडिंग लेगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चार पाँच ऑप्शन आते हैं। एक तो यहाँ पे आपको कंफर्म योर अकाउंट नंबर पे क्लिक करना है, यानी कि जो आपने अकाउंट नंबर डाला है, यानी जो अकाउंट नंबर आपने ऊपर डाला है, वही अकाउंट नंबर को आपको दोबारा इस पर कंफर्म कर लेना है। और एक तो अकाउंट होल्डर का नाम डाल लेना है, नाइक नेम ऑप्शनल है, नाइक नेम डाल सकते हो या तो नहीं डाल सकते। तो मैं यहाँ पे दोबारा से यहाँ से इसको अकाउंट नंबर को क्या करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ अकाउंट नंबर, और यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने अकाउंट नंबर को वापस से उस जगह पे पेस्ट कर दिया है, जो अकाउंट नंबर मैंने डाला था उसे कंफर्म अकाउंट नंबर कर दिया है, और जिस बैंक में जो नाम है वो नाम भी डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको प्रोसेस टू पे क्लिक करना है। प्रोसेस टू पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे आपके ट्रांजेक्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप जितना भी पेमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। UPI की लिमिट 1,00,000 रुपये तक होती है। आप 80-90,000 तक यहाँ पे कर सकते हो। किसी में 1,00,000 हो जाता है, किसी में 80,000 होता है, 85,000। मैं आपको ओनली फॉर सिक्योरिटी पर्पज़, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, नॉर्मल सिखाने के पर्पज़ के 10 रुपीज़ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे पैक पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना जो भी मैंने पिन सेट किया है वो पिन को मैं डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो पिन सेट किया था मैं पिन पे डाल लेता हूँ। पिन पे डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही बैंक अकाउंट में कुछ लोडिंग लेगा और यहाँ पे आपका जो पेमेंट रहेगा वो सक्सेसफुली चला जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी के भी बैंक अकाउंट से पैसे डाल सकते हो ऐड करके। बस बदले में आपके पास में अकाउंट नंबर, IFSC कोड होना चाहिए, और बैंक जिस नाम से बैंक है उस नाम, मतलब जिस बैंक के नाम से खाता है उसका नाम पता होना चाहिए आपके पास में। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, फॉलो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो से कुछ सीखने का मिला है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। इस तरीके की मैं वीडियोज़ लाते रहता हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप।